डोनाल्ड ट्रंप ने साझा किया लॉकडाउन खोलने का 3 चरणों का प्लान, गवर्नर लेंगे आखिरी फैसला। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से कोहरम मचा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे अधिक संक्रमित लोग और मृतकों की संख्या अमेरिका में ही है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में लॉकडाउन खोलने का 3 चरणों का प्लान गवर्नरों के साथ साझा किया है। अमेरिका में कहा और कब तक लॉकडाउन खुलेगा, इसके बारे में आखिरी फैसला गवर्नर लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनका प्रशासन संघीय दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार गवर्नर अपने अपने राज्यों में स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोल सकते हैं। आखिरी फैसला उनका होगा। हालांकि इस गाइडलाइन में किसी समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से साझा किए गए इस डॉक्यूमेंट का नाम ओपनिंग अप अमेरिका है। इस डॉक्यूमेंट में गवर्नरों को विस्तार से अमेरिका में लॉकडाउन खत्म करने के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार किसी भी फेज का लॉकडाउन खोलने के लिए उस राज्य को अपने यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या और पॉजिटिव टेस्टों की गिरावट दर्ज करानी होगी। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार शुरुआत में जब लॉकडाउन खोला जाएगा तो भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना होगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर 10 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। साथ ही कमजोर और बीमार लोगों को सार्वजनिक जगहों पर आने की अनुमति नहीं होगी। वहीं गैर जरूरी यात्रा की भी मनाही होगी। इसके अलावा लोगों को खुद भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। साथ ही पब्लिक इंटरेक्शन और सार्वजनिक जगह पर व्यतीत होने वाले समय को भी कम करना होगा। इसके साथ ही बार और जिम के संचालकों को भी तभी खोला जाएगा जब भी अपने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भीड़ को मैनेज कर पाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में अब तक 6.7 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं इसके कारण 34,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यहाँ 29,000 से अधिक संक्रमण के मामले आए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।